आज शेरू घर में आ गया टॉमी सैंडी के साथ खेलने के लिए। भगवान जाने कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। कहते हैं कुत्ता कुछ दिखाई देता है, क्यों नोस क्या दिक्कत है आज पता नहीं क्यों आया हमारे घर में। मैं कुछ देखा है इसने यार, तो कुछ चीज देख ली इसने। घूम रही है क्योंकि जो चीज हम नहीं देख सकते ना बेटा ये वो देख सकते हैं। अच्छा जब हम समझेंगे इनको तब पता चलेगा कि या तो कुछ दिक्कत है या इसे भूख लग रही है या ये डर चुका है। ये देखो दोनों का प्यार शेरू के लिए कैसे प्यार कर रहे हैं। पता नहीं हमारा शेरू आज कैसे आया, गर्मी में तो आता तो है नहीं क्योंकि ये इनकी सिक्स सेंस इतनी तेज होती है कि आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। अब पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं, क्यों आया क्यों आके बैठा, क्या हो गया, डर लगा किसी चीज से, क्या हो गया, कुछ हुआ, मार दिया किसी ने। शेरू घर में आ गया टॉमी सैंडी के साथ खेलने के लिए। देखो कितने खुश हो रहे हैं दोनों, आज इनका दोस्त घर में आ गया। मोस्टली हमारे घर में शेरू आता तो नहीं है लेकिन ये आज कितने खुश हो रहे हैं शेरू के आने पे। देखो भाई वे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, शेरू बहुत ही समझदार बच्चा है, बड़े प्यार से खिलाता है शेरू इनको। ये लो भाई हमारे तीनों बच्चों की हो रही है मस्ती रात के टाइम। आज पता नहीं शेरू कैसे आ गया इनके साथ खेलने के लिए, अंदर मोस्टली आता तो नहीं है लेकिन आज पता नहीं कैसे आ गया मुक्ता। शेरू आज तो खेलने आया इनके साथ अंदर, आज शेरू घर में आया भी मस्ती मारने, क्या चक्कर है शेरू का। शेरू बेबी शेरू, देखो दोस्तों कितने खुश हो रहे हैं दोनों, कितने ज्यादा इनको शेरू इतना पसंद है ना, हम बाहर जाने देते नहीं है, इतना शेरू अंदर बैठा है, पता नहीं क्या फील करके हंस ये अंदर आया। हाँ खेल ले बेटा खेल ले शेरू, खेल ले थोड़ा, खेल ले ना, ये बस शेरू के साथ दोस्ती है इनकी, बाकी सारे गली के कुत्तों से लड़ते हैं। शेरू को भी डर लग रहा है, कुछ फील हो रहा है, या तो आज शेरू को हमारे घर में आता नहीं है शेरू, आज पता नहीं कैसे आ गए, ये तो मोस्टली बाहर ही रहता है, या तो इसे कुछ फील हो रहा है, कहते हैं कुत्तों को सुनने आता है दिखाई देता है, हू नोस क्या दिक्कत है इसको, क्या प्रॉब्लम है आज क्यों ही? वैसे हमारे घर में शेरू आता तो नहीं है, पता नहीं आज कैसे आ गया शेरू, भगवान जाने कोई दिक्कत तो नहीं है इसको। बोतल शुरू बैठ जा हमारे घर में आता तो नहीं है, पहले जब तक ये छोटे बच्चे नहीं थे तब तक तो ये आता था लेकिन इनके आने के बाद आज ये पहली बार आया है हमारे घर में, पता नहीं क्यों और कैसे, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो इसको या कुछ थोड़ा सा जो हम समझेंगे इनको तब पता चलेगा कि या तो कुछ दिक्कत है या इसे भूख लग रही है या ये डर चुका है क्योंकि थोड़ी दिवाली पे ये आप घर आके बैठ जाते हैं तो खा हंगामा कभी आगे बैठ जाता है हमारे घर में, लेकिन आज तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे आ गया ये, आई थिंक इसको डर लग रहा है किसी चीज से, या तो उसी चीज डराया है इसको, नहीं तो ये आता कभी नहीं है हमारे घर में, अंदर ऐसे नहीं आता। शेरो बैठ कर आ कमीन आई गंदी बात, कमीन गंदी बात नहीं करते बेटा, ये देखो कोई बात नहीं कुछ नहीं कहेंगे तेरे को, ये आ जाओ खेल ले सैंडी, तो भी बैठने दे बेटा, क्यों ओपन कर रही हो उसको, ये आपस में लड़ने पे लगा पड़े एक तो वो आएगा बहुत दिन के बाद, वो तुम तंग कर रहे हो सैंडी, ये भूखा है हर चीज का, लड़का भूखा है, शेरू के साथ खेलने के लिए टॉमी चाह रहा है लेकिन टॉमी को आने नहीं दे रहा आगे, ये इतना बदमाश हो चुका है टॉमी और सैंडी दोनों, सैंडी तो कुछ ज्यादा बदमाश है। ये देखो दोनों का प्यार शेरू के लिए कैसे प्यार कर रहे हैं, पता नहीं हमारा शेरू आज कैसे आया, गर्मी में तो आता तो है नहीं, कहते हैं कुत्तों को कुछ दिखता है तो कुछ होता है क्योंकि ये इनकी सिक्स सेंस इतनी तेज होती है कि आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। अब पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं, क्यों आया क्यों आके बैठा,
बस एक शेरू के साथ ही ये दोनों खेलते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं खेलते। गली के कुत्ते हम किसी को भी इनके साथ खेलने नहीं देते, लेकिन शेरू ही इनका दोस्त है क्योंकि बचपन से शेरू खेला है इनके साथ। और आज शेरू पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कैसे घर में आया है, पता नहीं इतना सडनली शक्ति ऊपर से आया और आके एकदम से हॉच पॉच कर दिया सब कुछ उसने। थोड़ा सा रेडी करने मुझे टाइम भी लगा, बट ये अब रिलैक्स होके बैठा है। देखो इन दोनों थक चुके हैं दोनों के दोनों, लेकिन ये है दोनों बहुत खुश कि आज शेरू घर में है। आज शेरू के घर पे होने पे ये दोनों बहुत खुश हो रहे हैं। और शेरू बेचारा हमारा पता नहीं क्यों आया है। क्यों आया बेटा, क्या हो गया, डर लगा किसी चीज से, क्या हो गया, कुछ हुआ, मार दिया किसी ने? ये शेरू ना दोस्तों आपको मैं क्या बताऊं, इतना सब कुछ समझा देता है ना, चीजें इतनी समझा देता है। अभी टाइम निकाल के इससे जब बात करूंगी ना ये सब चीज समझा देगा। इवन ये हमें लेके जाएगा, अगर कुछ देखा होगा कुछ समझाने की कोशिश करेगा, ये सब बता देगा हमें। पता नहीं मैं उसे कैच कर पाऊंगी कि नहीं, तो हमें छोड़ दे बेटा, बैठने दे उसको, पापा बार बार उठ जाएगा। आजा आज सर नीचे आजा, बैठने दे, तो हमें तो तंग क्यों कर रहे हैं उसको, अरे सुनो आज बेटा आजा आजा, तीनों को दूध पीने आजा 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 शेर आजा। बहुत बेकार है किसी चीज के लिए भी, तो हम इसको सैंडी आगे नहीं आने देता। ये सैंडी इतना बेकार बन चुका है ना, बहुत तंग करता है हर चीज में। क्या बात है बेटा, आराम से बैठने दे उसको, वो आया है उसको समझने दे, क्या कहना चाह रहा है वो, कुछ कहने के लिए आया, तुमसे ज्यादा तो समझदार है वो, मैं तो कुछ समझाना चाह रहा है, तो डर चुका है किसी चीज से भगवान जाने। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, पता चलेगा बाद में, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी भी डाउन है। अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला समझने को मिला तो हो सकता है कि मैं कैच कर पाऊँ, अदरवाइज हो सकता है कि ना भी कैच कर पाऊँ, बिकॉज बैटरी इज लो। फिर भी देखते हैं, लेट्स सी क्या कहना चाहता है, ट्राई करते रहेंगे। अब तीनों बैठ गए हैं आराम से, ये देखो टॉमी हमारा कितना आराम से बैठ गया है, और शेरू आता नहीं है, पता नहीं आज कैसे आ गया, अचानक से ही आया है छत के ऊपर जीने से, और आके आराम से बैठ गया, बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। अभी मैंने थोड़ा सा कुछ खिलाएंगे, उसके बाद देखेंगे समझेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि शेरू आया क्यों, ठीक है शेरा, किसी ने मारा तेरे को बेटा? इतना तेज है ना दोस्तों ये शेरू, इतना तेज है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना समझदार है। इवन हम जब गली में से निकलते हैं ना और भागा कोई कुत्ता आता है ना, तो ये हमें ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे कि एक मेल हो, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो। इवन जब तक हम जाते ही नहीं है उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर लेते हैं, तब तक ये पलट पलट कर देखता है कि वो आ रही है, वो सेफ है, कुत्ते कहीं काट तो नहीं रही है। इतना प्रोटेक्ट करता है ये शेरू हमें, बस मैं वीडियो नहीं बना पाई इनकी कभी, लेकिन शेरू बहुत प्रोटेक्टिव डॉग है, हर चीज से हमें सेफ करता है। इवन हमारी गली में आवाज आती है या कोई अननोन पर्सन आता है, स्ट्रेंजर्स आते हैं तो उसको भी ये धमकाता है, डराता है, ठीक है, ताकि हमारी गली में कोई स्ट्रेंजर्स एंटर ना कर पाए। फिर भी बहुत ही, मतलब क्या कहूँ इनके बारे में, ये ना बहुत ही समझदार होते हैं हर चीज में। इनको पालना बस देखो से नहीं होती है, डॉग्स पालना इज वेरी गुड, बिकॉज ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे वार्ड होते हैं। ये देखो कैसे शांति से बैठ गए हैं दोनों के दोनों। सेफ्टी वाइज अवर इंडियन डॉग ब्रीड इज वेरी गुड, बहुत 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 बेस्ट डॉग ब्रीड है ये सेफ्टी के अकॉर्डिंग। मतलब मैं ये नहीं कहती कि ऑल डॉग डॉग्स ब्रीड अच्छी नहीं होती, बट हमारा शेरू जो है ना मोस्ट इज द बेस्ट 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 डॉग ऑफ द वर्ल्ड, हर तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है। और इवन आज हमारे घर में बैठा हुआ है, अब देखो आया रवि, रवि को बस बोलते बोलो, ये देखो शेरू, अब शेरू के साथ साथ खेलने के साथ अभी रवि आ गया हमारे घर में, तो अब रवि को देख के तो बहुत खुश हो रहे हैं। बस बेटा इतनी बातें कौन करता है बाबू, इतना हल्ला यार, डरा तुमने मारे ना शेर आज, मारा तो नहीं है यार, लो अगर यार आया इसका यार तो इसे कुछ दिखाए, कुछ दिखाए ना यार, यूं मैं तुम्हें चाहे तब मैं मैं कौन सी आया फिर भगा भगा ये अचानक से आता यार, मैं चाहे तो बाहर कुछ देखा है इसने यार, तो कुछ चीज देख ली इसने
में जाता है तो कुछ चीज बाहर घूम रही है, क्योंकि जो चीज हम नहीं देख सकते ना बेटा, ये वो देख सकते हैं। क्योंकि शेरू कभी नहीं डरता, शेरू कभी नहीं बैठता है, या तो इसने कुछ देखा है या किसी जिस चीज ने आया हो, डर के मारे आके बैठ गया हो, क्योंकि हम तो देख नहीं पाते हैं अपनी आंखों से, बट कुत्ते सब कुछ देख पाते हैं, क्योंकि इनकी सिक्स सेंस होते हैं, सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, हर चीज में बहुत अच्छे होते हैं। और मैं तो बहुत ही हैरान हूँ देख के कि हमारा शेरू आज जिस तरीके से बैठा है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉग है और कभी डरता नहीं है। और अभी मुझे रवि ने बताया कि बाहर से डरता हुआ आया था। रवि फिर से बताइए क्या हुआ था? आया, मैं हिंदी का यूज कर बेटा, हिंदी का। हाँ हिंदी बोले, अरे से आया देख लिया ना, हो सकता है डर गया किसी चीज से, किस चीज ने डराया है इसको, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमारे पास रहेगा तो रह जाएगा आज, क्योंकि हमें बहुत प्रोटेक्ट करता है। हमारे स्ट्रीट डॉग्स बहुत 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 प्रोटेक्टिव डॉग्स होते हैं और इसने हमें हर जगह प्रोटेक्ट किया है। इवन जब मैं वर्क जाती थी, काम करती थी, तब ये मुझे रोड क्रॉस कराने तक के लिए और बस में बिठाने तक के मेरे साथ जाता था जब मैं ड्यूटी करती थी। इतना प्रोटेक्टिव डॉग है ये शेरू, तो आज इसे हमारी जरूरत है, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करता है, तो आज हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है पता नहीं किसी से डरा हो कि नहीं डरा हो, लेकिन मैं इन बच्चों को बाहर नहीं निकालूंगी अब, क्योंकि शेरू डर रहा है किसी चीज से, पक्का 100% श्योर, क्योंकि रवि ने जो बताया है ना उससे यही श्योरिटी मिलती है कि ये डरा है किसी चीज से। कोई बात नहीं बेटा, यही सो जाएगा, ठीक है, अपने पास ही रखेंगे। और तुम भी बाहर मत जाना, ठीक है, क्योंकि कुत्ते जो देख सकते हैं ना वो हम नहीं देख सकते बेटा है। या तो गली में कुछ चीज घूम रही है, शेरू बिल्कुल भी नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं डरता शेरू किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन आज ही बैठा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, हम है ना तेरे साथ, कुछ नहीं होने देंगे, आराम से बैठ के रहे घर है, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। ये दोनों हमारे बच्चे देखो बैठे हुए हैं, शेरू के दोस्त, कुछ नहीं होने देंगे बेटा, ऐसी क्या बात है, तुम हमें प्रोटेक्ट करती हो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, है ना शेरू, मत तंग कर उसको, पापा मारेंगे, देख आप पिटाई करते हैं, पापा शेरू डरा हुआ है बेटा, उसको हट जा, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तुम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, उसको तंग कर रहे हो, उसे बैठने दो आराम से, सैनी टॉमी मैं पिटाई कर दूंगी बेटा दोनों की, वो डरा हुआ है बेटा, उसको रहने दे, रिलैक्स होने दो उसको। इवन वो पापा के आगे भी नहीं आता है शेरू ना, पापा से इतना डरता है कि पापा के आगे भी नहीं आता, बट आज पापा बाहर है और ये बैठा हुआ है, क्योंकि पता है पापा भी, क्योंकि जब समझ जाते हैं ना उन चीजों को, तो भैया हम अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, ये हमारे बच्चों की तरह है। इसी शेरू ने हमें इतना प्रोटेक्ट किया है, आज हमारी बारी है इसे प्रोटेक्ट करने की, तो हम इसे घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालेंगे, क्योंकि मोस्टली ये गली की ही कहते हैं ना सिक्योरिटी करता है रात के टाइम, कभी हमारे छत्ते से, कभी रवि के छत्ते से, क्योंकि हमारे दोनों के घर आपस में जुड़े हुए हैं, छत्ते से आ जा सकते हैं, इवन ही हमारे जीने में से आता है, हमारे गेट के एंट्रेंस में से आता जाता है, लेकिन आज ये डरा हुआ है, पक्का श्योरिटी मिल चुकी है, तो इसलिए आज हम इनको बिल्कुल बाहर नहीं निकालेंगे। ओके ठीक है तारुशाली, आज हम आपके दोस्त को प्रोटेक्ट करेंगे बेटा, इसने हमारी बहुत प्रोटेक्शन करी है, आज हमारी बारी है इसे प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, आज इसे हम अपने घर में रखेंगे बेटा, डरा हुआ है इस चीज से। ओके दोस्तों, अगर आगे कुछ होता है ऐसा तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी, अब तक के लिए यही वीडियो थी, क्योंकि शेरू डरा हुआ है, आपको श्योरिटी मिल चुकी है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं, देखते हैं कुछ होता है तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना, बिकॉज इन लोगों की जो भी इन्होंने इंसानियत, तो हम कह नहीं सकते, जो भी इन्होंने अपने दिल से हमें सपोर्ट किया है, आज इनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, तो डेफिनेटली इनके प्यार और सपोर्ट के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, ठीक, बाय बाय, टेक केयर।